धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, खुद की भी ले ली जान। जनपद संभल में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर मौत के मुंह में जाना चाहा। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने गंभीर हालत में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से युवक को मेरठ और युवती को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मौके पर थाना पुलिस और सीओ संभल पहुंचकर तफ्तीश में जुटे हैं। जनपद संभल के सर्किल के असमौली थाना अंतर्गत ग्राम चकिया की मुड़ैया निवासी हरपाल के पुत्री ग्राम सालारपुर में खेतों पर गांव की लड़कियों के साथ धान की रुपाई करने गई थी। तीनों लड़कियां काम कर रही थी कि इसी दौरान चकिया गांव में रहने वाला एक शादीशुदा युवक हाथ में तमंचा लहराता हुआ लड़कियों के पास पहुंचा और बिना कहे सुने युवती पर देसी कट्टे से फायर झोंक दिया। युवती को गोली मारने के बाद सुदेश ने खुद को भी गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ पुलिस को भी सूचना दी, जिस पर थाना पुलिस और बाद में सीओ अरुण कुमार मौके पर पहुंचकर और युवक को मेरठ व युवती को घायल अवस्था में मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। बता दें कि युवक की इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों में चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था, जबकि युवक शादीशुदा था और 1.5 साल की बेटी का पिता भी था। ये भी बताया जा रहा है कि युवक युवती का रिश्ते का चाचा था। घटना को लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसके मद्देनजर थाना पुलिस व SSP आलोक कुमार जायसवाल, CO अरुण कुमार संभल घटना पर पहुंच चुके। इस दौरान घटना के बाबत पुलिस पूरी तफ्तीश करने में जुटी है, ताकि घटना के असली कारणों का पता लगाया जा सके। आपसे हो गई, आप क्यों बोल रही हो फिर? हम तीनों थे। कौन कौन? आज प्रातः ये घटना सलारपुर गांव के जंगल में, ये लड़की प्रियंका है, ये मजदूरी में धान बोने के लिए आई हुई थी अपने मजदूरों के साथ। वहीं इसका एक पारिवारिक चाचा है सुदेश तमंचा लेकर आया। पहली गोली तो लड़की प्रियंका को उसने मारी और दूसरी गोली हमने मारी। दोनों को मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की हेल्प से उनके लोग अमरोहा हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे इलाज के दौरान सुदेश की मृत्यु हो गई है। इसमें प्रियंका के भाई राहुल ने इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। तफ्तीश की जा रही है, जो कि फैक्ट होंगे तब